हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम लोगों ने बहुत ही इजी सा और बहुत ही अच्छा सा कार्ड बनाना है, वो भी बहुत ही कम मटेरियल में। मेरे पास यहाँ पर जो मटेरियल है वो क्या है, एक ग्लेज पेपर है, उसके अलावा एक चार्ट है, और उसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो है स्केल, मार्कर आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा सीज़र, और उसके अलावा हमें चाहिए एक ग्लू। इन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग एक आज बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा कार्ड बनाने जा रहे हैं, वो भी बहुत इजी, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का एक हमने पीस ले लेना है, ठीक है, और ये आप लोग किसी भी साइज़ में ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने बड़ा कार्ड बनाना है तो आप लोग बड़ा पीस यूज़ करेंगे, अगर नॉर्मल कार्ड बनाना है तो आप लोग इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जो है ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह से हम लोग जो है फोल्ड करेंगे, और यहाँ इसकी टिप पे हल्का सा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉर्नर बना है इसके ऊपर रख के इनको, इसको यहाँ से कॉर्नर को कॉर्नर से मैच कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर देना है। दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही करना है, यहाँ से इस कॉर्नर के साथ हमने इसको मैच करके इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, और इस तरह से हमारे पास ये वाली जो है शेप आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये पिंक शीट जो है इसको इसके ऊपर हमने पेस्ट करना है। जितने पीसेस हमने यहाँ पर इसके बनाए हैं उतने ही पीसेस हमने इस शीट के कट करके इसके ऊपर पेस्ट करते जाना है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये शीट इसके ऊपर रखेंगे, और जितनी लेंथ इस ऊपर वाले पेपर की है उतनी ही लेंथ में हम लोगों ने ये शीट जो है कट करनी है, और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने पिंक शीट को इनके ही इन्हीं लेंथ के हिसाब से रख के कट करके इनके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है, और अब हम इसको इस तरह से दोबारा से फोल्ड करके देखेंगे ऐसे। इसकी प्रेस जो है वो अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, येलो स्ट्रिप हमने लेनी है, सेम इसी साइज़ में हमने मैंने ये स्ट्रिप जो है वो ले ली है, ये देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से बैंड कर देंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, इनकी दोनों साइड्स हैं वो सेम कर लेनी है ऐसे। यहाँ पर हम लोग ग्लू लगाएंगे। ग्लू जब हमने लगानी है तो हमने इसको अच्छी तरह से यूं बॉक्स की शक्ल में इसको अच्छी तरह से हम लोग लगा के तो इसको हम लोग पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। ऊपर से थोड़े से प्लेस जो है छोड़ के यहाँ पर हम लोग इसको प्रेस करेंगे, और इसको इस तरह से ये देखें इस तरह से। नेक्स्ट हमने यहाँ पर भी वही वाली स्ट्रिप लेनी है सेम उसी साइज़ में, और इसको भी इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। देखें यहाँ पर मैंने इन टू स्ट्रिप्स को इस तरह से जोड़ दिया है ताकि इस शेप में आ जाए, ठीक है। इसके बाद इसको ऊपर से हम लोग प्रेस करेंगे। अब हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर कोई भी शेप आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हार्ट जो है इस तरह से कट किए हुए हैं, और इनके ऊपर हम वाइट चार्ट जो है, वाइट हार्ट जो है वो इस तरह से कट करके उसके ऊपर कुछ लिख के तो हम लोग इनके अंदर पेस्ट करके वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक हार्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, तो ग्लू आप लोगों ने यूज़ करते हुए इस तरह से ग्लू लगानी है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिप है वो इस तरह से लगी हुई है।
अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर मिड में रख के इसको पेस्ट करना है, बल्कि मिड से थोड़ा सा हमने यूँ लेना है ताकि ये जो इसकी चीज़ है, इसका कॉर्नर है, जो इसकी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हो गया पेस्ट। अब इसको बंद करके देखेंगे ऐसे, ये देखें। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो बाहर वाली साइड है उसको हम लोग करेंगे, नीट करेंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि हमारा जो कार्ड है वो और भी ज़्यादा प्यारा बन जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रिप ली है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसको लास्ट फोल्डिंग तक इस तरह से करके अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। एंड तक लेके जाना है और इसको यहाँ से आप लोग कोई भी शेप दे सकते हैं। देखें यहाँ पर मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई है, इसको हम लोग इसकी बाउंड्री पे इस तरह से यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है, आप लोग कोई और स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसकी जो बाहर वाली जो बाउंड्री है वो भी अच्छी तरह से नीट हो सके। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये कार्ड अभी रेडी है। नेक्स्ट हम लोगों ने और भी कुछ अगर ऐड करना है तो वो हम अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं, कुछ लिख कर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैंने यहाँ पर इस साइज़ के जो हैं हार्ट्स कट कर लिए हैं, इनको हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करते हुए हम लोगों ने जस्ट इनकी टिप पर ही इस तरह से ग्लू लगा के इनको ऐसे जोड़ देना है। ये हार्ट्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें जो चाहिए इस तरह की स्ट्रिप जो मैंने इस शेप में पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इसके कॉर्नर्स जोड़ दिए हैं, अब हमने इसको इसके अंदर जो है इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने इनको इस तरह से लगा दिया है, ये स्ट्रिप्स जो हैं वो इस तरह से मैंने लगाई हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, इस साइज़ में एक लंबी स्ट्रिप जो है वो लेनी है। मैंने यहाँ पर इस साइज़ में इस कलर की स्ट्रिप ली है, आप लोग चाहें तो येलो भी ले सकते हैं। इसको इसके अंदर डालेंगे इस तरह से और इसको इसके अंदर से गुजार देना है ऐसे। अभी हमने क्या करना है, इसके एंड पॉइंट पर कोई पीस कट करके लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ। यहाँ से मैंने ये लगा दिया है पुल और इस एरो को मैंने यहाँ से इस तरह से मोड़ दिया है। इससे क्या होगा कि ये जो कार्ड है ये खुद से ओपन नहीं होगा। ये देखें अब हमने इसको जब खोलना है तो हम यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और इसको यहाँ से हम लोग पुल करेंगे और इसके बाद इस कार्ड को हम लोग ओपन करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा आज बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सादा और बहुत ही कम मटेरियल में एक कार्ड जो है वो रेडी है। आप लोग भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं और चाहें तो आप लोग किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरी वन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।